वन टू तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस यार, आज की वीडियो में हम ला दिए हैं बहुत ही फैंटेस्टिक और मज़ेदार का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप लोग गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस, ये वाला जो वीडियो है हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ, यानी कि छोटे से चीज़ से हम लोग बड़ा चीज़ आज बनाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। और हाँ गाइस, जो लोग वीडियो को पूरा फुल नहीं देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा फुल देखिए, ठीक है। गाइस यार, थोड़ा सा समय लगता है, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए और आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। तो गाइस यार, आप देख सकते हैं ये है सिंपल प्रोजेक्ट पेपर। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट पेपर के हम लोग क्या करेंगे। तो गाइस, नॉर्मली सी सबसे पहले कट करेंगे और कट करके हम लोग देने वाले हैं आज बहुत ही वीआईपी और शानदार का शेप, ठीक है। और गाइस, इसे हम बनाने वाले हैं पोल्यूशन फ्री रॉकेट, ठीक है। आप लोग सोचकर हैरान होंगे कि पोल्यूशन फ्री रॉकेट कैसे बन सकता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो रॉकेट है, यानी कि इस पेपर का जो रॉकेट बनेगा, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री और अपने घर पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, चलिए हम प्रोसेस में देखते हैं कि किस तरह से पोल्यूशन फ्री एक रॉकेट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑल राइट गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पीले पेपर को, यानी कि इस कार्ड वाले पेपर को कुछ इस तरीके से हम मोड़ देंगे, ठीक है। और गाइस, कुछ इस तरीके से मोड़ने के बाद हम इसे कैंची से कट कर देंगे, ठीक है। तो ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया प्रेशर वाला रॉकेट, जो कि पोल्यूशन फ्री है और हम इसको बहुत तेज़ी से प्रेशर से उड़ाएंगे, ठीक है। तो गाइस, इस रॉकेट को बनाते वक्त आप इतना ध्यान रखें कि ये जो इसका ऊपरी वाला हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा भार होना चाहिए, ताकि प्रेशर से जब उड़े ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भागे, ठीक है। तो गाइस, चलिए हम इसको अब लॉन्च करते हैं। लेकिन गाइस, इससे पहले मैं आपको अभी बहुत सारे रॉकेट्स बनाए हैं, हम आपको दिखा दें। तो गाइस यार, आप देख सकते हैं हमारे पास है दो दो रॉकेट्स नहीं बल्कि बहुत सारे रॉकेट्स यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमने बनाकर रेडी कर लिया, ठीक है। और गाइस, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रॉकेट्स ही बन रहे थे, तो यहाँ हम काफ़ी सारे रॉकेट्स बनाकर रेडी कर लिया है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस यार, इस सारे रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए हमें चाहिए बेस्ट रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। तो गाइस, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि देसी जुगाड़, यानी कि देसी आइडिया को आप उपयोग करके कैसे एक रॉकेट लॉन्चर बना सकते हैं। तो फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में अभी पाइप्स, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं इसका सारा प्रोसेस, यहाँ पे ये एक तरह से रॉकेट लॉन्चर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यार, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हम स्ट्रेट, यानी कि सीधा पाइप लगाया हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा एल शेप का यहाँ पे मुड़ा हुआ पाइप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें अटैच करके फिर एक पतला सा पाइप यहाँ है, ठीक है, ताकि हमारा रॉकेट जो लॉन्चर है वीआईपी बन सके। तो गाइस, यहाँ पर हमने क्या किया है कि थोड़ा सा ये टेप जो मारकर यहाँ पे इसके लीकेज को है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बंद कर दिए हैं, ठीक है। और गाइस, जहाँ से अटैच होता है पाइप्स का, वहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ से लीकेज बंद है पूरा तरह से। तो ये हमारा एक तरह से रॉकेट लॉन्चर बनकर रेडी है। लेकिन गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह उड़ेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ एक लगेगा प्रेशर वाली बोतल, यानी कि सिलेंडर कह सकते हैं इसको, तो मैं अभी लगा कर दिखा रहा हूँ आपको। तो गाइस, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी 2 लीटर का कम से कम हम हाई प्रेशर वाली बोतल लेंगे, ठीक है। और गाइस, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से हम फिक्स कर देंगे। तो गाइस यार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम टेप से इसके लीकेज को बंद करने की जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, ठीक है। गाइस, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं पूरा सेटअप तैयार हो चुका है हमारा रॉकेट लॉन्च करने की। गाइस यार, मैं आपको दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका इसका पूरा पार्ट्स आपको दिख सके बढ़िया से। गाइस, ये हमारा एयर प्रेशर वाला बोतल, जो काफ़ी ज़्यादा ये लचीला है, और हवा देखिए कैसे मैं दाब रहा हूँ, ये फिर वापस एयर भर जा रहा है इसमें, ठीक है। तो गाइस, यहाँ से होते हुए हमारा प्रेशर काफ़ी तेज़ी से यहाँ निकलेगा,
और यहाँ से हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये हमारा बहुत ही बेस्ट तरीका से एक बना हुआ रॉकेट लॉन्चर है। तो चलिए अब हम फाइनली इसको अब लॉन्च करते हैं। ठीक है, लेट्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी एक रॉकेट लेकर यहाँ से हमारा लॉक रॉकेट लॉन्चर में कुछ इस तरीके से हम लगा देंगे। ठीक है, और फिर गाइस ये हमारा अब रेडी हो चुका है। ठीक है, तो गाइस चलिए फाइनली रेडी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक है, 1 2 गाइस ये सारे रॉकेट सब धराधरम उड़ाएंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। गाइस रहा नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है सारा फटाफट उड़ा दे। ठीक है, 1 2 वो 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 क्या बात है। तो फाइनली गाइस हमारा सारा रॉकेट्स खत्म हो चुका है क्योंकि हमने सारा रॉकेट्स को उड़ा दिया। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं कि कितना दूरी तय किया है और गाइस कहां तक उड़ा है। वहां पे आप देख सकते हैं हमारा वहां पे है रॉकेट लॉन्चर, कैमरामैन थोड़ा दिखाओ। ठीक है, और गाइस वहां से हम आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको, चलिए आइए। ओ कैमरामैन रॉकेट दिखाओ कितना दूर आकर गिरा है। ओ गाइस यार आपको दिखा दे कि कितना दूरी तय किया है। तो फाइनली आप थोड़ा कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि यहां से लेकर वहां तक की दूरी दिखाई जाए। वहां पे गाइस आप देख सकते हैं हमारा टेबल रखा हुआ है, वहां तक दूरी तय किया है। तो गाइस आप सबको ये विदाउट पोल्यूशन वाला रॉकेट लॉन्चर कैसा लगा और ये रॉकेट की स्पीड कैसी लगी आप सब कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और गाइस ऐसे ही धमकदार और मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।